आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि बिल ना भरने की वजह से ना लोगों की हो सकता है शायद पावर कट जाए, ये टोरेंट वाले मतलब जिद पे उतारू हो जाए कि वो लोग काटेंगे। जो आप लोग जो गए थे 18 लोग, तो ये सिर्फ 18 लोग ही गए थे? मतलब जैसे कि आप लोगों का एक अलग ग्रुप है, कि हमने सुनने में आया है कि कॉरपोरेशन में एक अलग से ग्रुप बन गया है इस तरह से। अभी जैसे रोड का जो काम होगा, तो उसमें क्या होता है कि अब तक का जो काम है उसमें क्वालिटी का बहुत बड़ा मसला आया है, बहुत बड़ा इशू हुआ है। तो हम चाहेंगे कि इस बार जो भी काम हो वो उस पर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। मुमरा को डेवलप किया है, क्योंकि मुमरा जो है आप देखोगे तो भिवंडी से खराब पोजिशन में था, लेकिन जब से जितेंद्र रावत साहब वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब से वो एरिया को इतना अच्छा सुधार दिया। हमने देखा है गली गली में कॉन्क्रीट हो गया, ये हमने उनसे खाली टाइम मांगा था, उन्होंने हमको टाइम तो दिया मंत्रालय में, और जगह पे उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके वहाँ पर तलब किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको एक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है। जिस तरह आप देखोगे आजू बाजू में सब सिटी देखो, सब डेवलप हो गई है भिवंडी छोड़कर। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस शो के स्पॉन्सर है निशा हर्बल्स, क्वालिटी हर्बल सोप, भाईजान स्पाइस, भिवंडी का फूड अड्डा और ओशन बाजार, ऑल किचनवेयर एंड कॉस्मेटिक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। भिवंडी के जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। दिन पे दिन जो शहर की हालत है वो बद से बदहाल हो रही है। अभी हमने देखा कि जिस तरह से बारिश हुई थी, बारिश में भी बहुत सारी सड़कें जो थी वो बह गई, और कई जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो काम था वो पूरी तरह से हो नहीं पाया, ड्रेनेज लाइन का भी काम था वो ठीक से हो नहीं पाया। तो इसी सिलसिले में जो हमारे शहर के जो डेलीगेशन है, जैसे कि हमारे जो भिवंडी के जो आयुक्त है, फिर हमारे मेयर है, डिप्टी मेयर है और भी कई नगर सेवक, इन्होंने मिलकर जो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री है जितेंद्र आव्हाड, तो उनसे मुलाकात की और उन्हें जो है भिवंडी के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रस्ताव रखे। तो आज हमारे साथ में बात करने के लिए भिवंडी शहर के डिप्टी मेयर मोहम्मद इमरान अली खान साहब है। तो हम इनसे ही बात करेंगे कि क्या मुलाकात हुई वहाँ पे कैबिनेट मंत्री से और क्या उन्होंने प्रस्ताव रखे। तो इमरान साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो जब आपने मीटिंग किया यहाँ पे, तो किस मुद्दे पे आपकी जो है जितेंद्र आव्हाड साहब से बात हुई और क्या उन्होंने प्रॉमिस किया आपको? डेलीगेशन के रूप में हम 18 नगर सेवक और हमारे जो सभागृह नेता उनके साथ में महापौर का एक लेटर लेके हम लोगों ने जाके जितेंद्र आव्हाड साहब जो मंत्री है उनसे मुलाकात की, और उनसे हमने कहा कि जैसे आपने मुमरा को डेवलप किया है, क्योंकि मुमरा जो है आप देखोगे तो भिवंडी से खराब पोजिशन में था, लेकिन जब से जितेंद्र आव्हाड साहब वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब से वो एरिया को इतना अच्छा सुधार दिया। हमने देखा है गली गली में कॉन्क्रीट हो गया, ये हो गया, हर चीज़ उन्होंने सहूलत कर दी, रोड्स अच्छे हो गए। आप वहाँ जाओगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे बहुत अच्छा हो गया, हर तरफ उन्होंने भरपूर काम किया है। तो हमको एक उम्मीद जग गई कि कम से कम ये जो आज मिनिस्टर है इनके ज़रिए हम हमारा जो भिवंडी का मसला उनके पास रखते हैं और गवर्नमेंट से अप्रोच करके वो सब काम हम हमारे शहर में भी करना चाहते हैं। जिस तरह आप देखोगे आजू बाजू में सब सिटी देखो, सब डेवलप हो गई है भिवंडी छोड़कर। देखिए आप कभी देखोगे जब नगर पालिका से कॉरपोरेशन होती है तो उनको एक शहर को डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा पैकेज दिया जाता है, लेकिन भिवंडी की बदकिस्मती बोलिए कि जब से 2002 में कॉरपोरेशन हुआ उसके बाद से एक रुपये का कोई भी फंड या पैकेज भिवंडी शहर को नहीं मिला, जिसकी वजह से हमको हमारा फंड खुद हमको रेस करना पड़ता है। और हमारे पास क्या आज है ना, हमारे पास सिर्फ ये LPT का जो ग्रांट आता है वही बेस पे हम रुके हुए। शहर के लोग घरपट्टी, आप लोग देखते हैं घरपट्टी के अलावा लोग भर भी नहीं पाते, और घरपट्टी हम किस मुंह से पब्लिक से मांगेंगे जब हम उनको ना रोड दे पा रहे, ना रास्ता दे पा रहे हैं, ना गटर दे पा रहे हैं, ना हम कुछ नहीं, जब सहूलत नहीं दे पा रहे तो हमारा भी ज़्यादा हम उनके ऊपर प्रेशर करके हम उनसे वसूली नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने ये चाहा कि अब गवर्नमेंट जो है एक स्टेबल गवर्नमेंट हमको स्टेट में दिख रही है, हम चाहते हैं कि उनके ज़रिए शहर के अंदर एक अच्छा विकास का काम होना चाहिए। हमने हमारी सब बातें तो मान, क्या 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 प्रस्ताव रखे आपने? देखिए हमने उनके सामने 10 प्रस्ताव रखा। एक मेजर जो है सबसे अहम आज भिवंडी में पहला काम जो है वो रोड का होता, रोड की जो हालत है। MMRDA ने 52 रोड के ऊपर ये लोग ने वर्क किया था, जिसमें से 13 रोड का काम उन लोगों ने शुरू किया और फर्स्ट फेज में, सेकेंड फेज में बचा हुआ 3 रोड का उन लोग ने किया, लेकिन काम की जो गति है वो एकदम स्लो हो गई है और काम की भी काम जो है जैसे जिस तरह होना चाहिए उस तरह नहीं हो रहा है। तो हमने आव्हाड साहब से कहा है कि आप MMRDA कमिश्नर राजीव साहब से बात कीजिए, तो उन्होंने वहीं के वहीं उनसे टाइम लिया। नेक्स्ट वीक का इंशाल्लाह हम लोगों को टाइम दे रहे हैं, MMRDA कमिश्नर से बात होगी, उसके बाद हम उनका दौरा बहुत करके मंत्री जी ने कहा है कि हम
भिवंडी में उनका दौरा करा देंगे। दौरा करने के बाद जो जो मेजर है MMRDA के थ्रू हो सकता है उनसे करेंगे, बाकी जो ज़रूरत गवर्नमेंट से होगी वो हमको गवर्नमेंट से भिवंडी शहर के लिए काम करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और हमको मदद कर रहे हैं। हम उनके शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने हम लोगों के लिए, हमने उनसे खाली टाइम मांगा था, उन्होंने हमको टाइम तो दिया मंत्रालय में और जगह पे उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन करके वहाँ पर तलब किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उनको एक डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो हमारी एक उम्मीद जागी है कि हमको एक कोई लीडर जो है भिवंडी शहर के ऊपर ध्यान देने वाला मिल रहा है, हम उनके साथ जुड़ के ये भिवंडी शहर का काम कराना चाहते हैं। अभी जैसे रोड का जो काम होगा तो उसमें क्या होता है कि अब तक का जो काम है उसमें क्वालिटी का बहुत बड़ा मसला आया है, बहुत बड़ा इशू हुआ है, तो हम चाहेंगे कि इस बार जो भी काम हो वो उस पर क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जाए ताकि वो ड्यूरेबल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम कमिश्नर का डायरेक्ट विजिट करवाना चाह रहे हैं कि जो काम वो MMRDA ने कर चुकी है उसकी क्या क्वालिटी है, वो खुद अपनी आँख से जब देखेंगे हम उनको बताएंगे कि ये क्वालिटी वर्क है और ये काम हो रहा है, ये ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। हम अच्छा काम के लिए उनका खुद का विजिट होना ज़रूरी है, इसलिए उनका विजिट करा रहे हैं। उसमें हमारे पास बहुत से मुद्दे शहर का, एक तो ये होने के बाद हमने एक पानी का 100 MLD का हमारा जो है बादशाह डैम से पानी लाने का जो प्रोजेक्ट है वो रुका हुआ है, उसको गति देना है क्योंकि अब आप देख रहे हो डेवलपमेंट शहर में सब तरफ बढ़ रहे हैं तो आगे पीने के पानी की भी समस्या बढ़ेगी, तो हमको आगे की सोच कर करना है। तो 100 MLD पानी के ऊपर हमने उधर पर मुद्दा रखा है। आप शहर के रोड रास्ते जो है वो देखिए और जब देखोगे जहाँ तक जिधर जिधर कारखाने एरिया पावर लूम्स के ऊपर पूरी भिवंडी है, लेकिन आप पावर लूम्स का जो एरिया है आप देखेंगे वहाँ पर ना कॉरपोरेशन रोड बनाती है ना ये करती है कुछ। उसमें क्या होता है, हमारे नगर सेवक लोग या हम खुद भी हो, हम लोग कारखाने की तरफ कम ध्यान देते हैं क्योंकि हमको इतने कम फंड्स मिलते हैं कि हम हमारा स्लम्स एरिया या हमारे वार्ड में नहीं पूरा कर पाते, तो हम सोचते बाद में कारखाने एरिया करेंगे, मतलब रेसिडेंशियल पूरा नहीं हो, पूरा रेसिडेंशियल कमर्शियल पे हम नहीं पहुंच पाते। तो हमने एक गवर्नमेंट को वो भी एक लेटर में हमने लिखा है कि जो भिवंडी के ऊपर पावर लूम जो सबसे मेन चीज़ है उनका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके जितने एरियाज है उनके जितने रोड्स है वो भी कॉन्क्रीट रोड में शामिल किया जाए, ये भी हमारी एक प्रमुख मांगनी है। दूसरा मार्केट्स, जो भिवंडी के आप मार्केट देखोगे जो आज की इतनी बुरी पोजीशन में कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, तो हम ये दो सेपरेट मार्केट उसमें बनाना चाहते हैं, एक वेजिटेबल मार्केट अलग करना चाहते हैं और चिकन मटन और फिश मार्केट एक अलग अच्छी मार्केट बनाने की एक हमारी सोच है। तीसरा हमारा स्कूल का जो एक विषय है, शहर के जो स्कूल है हम लोग गवर्नमेंट को स्कूल का हमको रेंट देना चाहिए था, वो रेंट आज तक हमको कभी नहीं मिला जिसकी वजह से हम लोग हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल के ऊपर हम काम नहीं कर पा रहे, तो हम चाह रहे हैं वो भी हम लोगों को मिले। और जगह जगह जो गार्डन्स वगैरह है वो उसके लिए भी फंड्स की मांगनी की है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इंडोर एक भी स्टेडियम हमारे इधर इंडोर्स का नहीं है और जो भी है उनके हमारे फंड्स के सबसे बड़ी तकलीफ हमारे फंड्स के, हम एक अच्छा पैकेज चाहकर, हम ये नहीं बोलते कि कॉरपोरेशन को आप पैसा दीजिए, हम ये बोलते आप अपने संस्था के थ्रू आप अपने थ्रू काम करिए कि लोग हमको कोई एलिगेशन यहाँ पर नहीं चाहिए कि हम कॉरपोरेशन में फंड्स ला के उसका मिसयूज़ करना चाहते हैं। हम चाहते हमको काम करके दिए, चाहे कोई करे MMRDA करे कोई भी संस्था से वो करावे, हमको कोई उससे नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ भिवंडी शहर का विकास चाहते हैं। हम चाहते कि भिवंडी एक बार फिर डेवलप होना चाहिए और शहर के जो मसले मसाले वो ख़त्म होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने जो दरवाजा हम लोगों को दिखेगा हम हर दरवाजे पर जाने को तैयार हैं। तो इसमें जो आप लोग जो गए थे 18 लोग, तो ये सिर्फ 18 लोग ही गए थे, मतलब जैसे कि आप लोगों का एक अलग ग्रुप है कि हमने सुनने में आया है कि कॉरपोरेशन में एक अलग से ग्रुप बन गया है इस तरह से? नहीं, ग्रुप की बात नहीं, हम लोग देखो बहुत से लोग हैं, हम लोग तो सबको बोलते हैं जिसको चलना चलिए, क्योंकि मैंने बात किया था डायरेक्ट अवार्ड साहब से, उन्होंने कहा था जो लोग मेरे संपर्क में आए जिन लोगों को मैंने बोला जो मेरे साथ चलना चाहे उनके साथ मैं गया, मैंने महापौर को बोला महापौर हमारे साथ गए, उनके विलास पटेल हमारे साथ जाके सब बातें की है। और एक और मुद्दा हम लोग अभी इधर पे मंत्री जी के साथ जब भी अभी फिर मीटिंग होगी उसमें एक और मुद्दा हम भिवंडी शहर का जो अहम मुद्दा है एक टोरेंट का जो पावर बिल का जो मसला है, जो इन्होंने लॉकडाउन के अंदर जिनकी बिल 500,000 रुपये आती थी उसको 10,000, 15,000, 20,000 रुपया जो गलत बिल ये लोगों ने दिया है वो बिलिंग की भी बात हम वहाँ पर अपनी रखने वाले हैं और ये मुद्दा भी उनसे कहेंगे कि आप ये मुद्दा भी जो है हमारा हम तकलीफ दूर करके। नहीं नहीं, लोग भरे नहीं है, लोग अभी रुके हुए, बहुत से लोगों ने कहा कि भाई बिल मत भरो तो उसमें रुका हुआ है मामला, तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से वो भी बात हमारे रखेंगे कि ये मुद्दा क्योंकि वो हमारे से नहीं लेकिन हमारे शहर का है, कॉरपोरेशन का नहीं है, वो तो दूसरा स्टेट लेवल का है, फिर भी शहर का मुद्दा है तो हम हमारी बातें वहाँ ज़रूर रखेंगे और आप देखेंगे कि टोरेंट के ऊपर भी वहाँ पर इंशाल्लाह जल्द से जल्द मीटिंग लगवाने के लिए हम अवार्ड साहब से बात करेंगे।
इस पे ना मैं एक अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा इमरान साहब के शहर में जो है टोरेंट को लेके बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया, किसी ने कुछ बोला है किसी ने कुछ बोला है और लोगों ने उसी वजह से ना बिल नहीं भरे। तो अब आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि बिल ना भरने की वजह से ना लोगों की हो सकता है शायद पावर कट जाए, ये टोरेंट वाले मतलब ज़िद पे उतारू हो जाए कि वो लोग काटेंगे, तो उसमें ऐसे में एक शहर के ज़िम्मेदार होने के नाते ना हम आपसे चाहेंगे कि इसमें आप लोगों का थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो और लोगों की आप लोग ना लोगों के हित में थोड़ा सा हेल्प करें। नहीं बिल्कुल ज़रूर करेंगे, टोरेंट के ऊपर भी बहुत जल्द उनके पास मीटिंग लगा के ये मसले को हल करने की हम पूरी कोशिश जरूर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे डिप्टी मेयर भिवंडी के मोहम्मद इमरान वली साहब। तो इन्होंने बताया कि भिवंडी का जो डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है हर फील्ड में मतलब हर एक एरिया में, चाहे वो रोड डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, पानी में हो, तो हर मुद्दे पे इनकी नज़र है और इन्होंने जो है उसके ऊपर अभी काम स्टार्ट कर दिया। तो आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि भिवंडी के अंदर एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हमको देखने को मिले। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।